सलाम आदाब नमस्कार, मैं माद राशिद और आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट को। फिलहाल अभी आप लोगों को पता ही है कि जामिया सेशन 2023-24 के लिए जो बच्चे एडमिशन लेके आए हैं उनके लिए कैंपस का सब कुछ नया है। इसी तरीके से आज हमारे साथ कैफ खान बैठे हुए हैं। कैफ खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी सर, गुड इवनिंग सर। यस सर, आप ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी वैसे मैं रहने वाला झारखंड का हूँ, बट मैं अभी रहता मध्य प्रदेश में था। मध्य प्रदेश में ये जामिया के बारे में आपको कैसे पता चला था? जामिया के बारे में सर कौन नहीं जानता है, जामिया बहुत फेमस है, सबके लिए फेमस है, सबका सपना होता है कि हम जामिया में पढ़ें, खासकर जो मिडिल क्लास वाले फैमिली वाले जो बच्चे होते हैं। अच्छा, आपने ये कब ठाना कि आपको जामिया आना है? मतलब 12th में रहे थे या 10th में थे तब भी 11th के लिए ट्राई किए थे, 11th में नहीं हुआ, फिर उसके बाद 12th किया, ऐसा कुछ क्या है? सर सोचा तो बहुत पहले से हमने सोचा था ऐसा कि मैं जामिया या AMU ट्राई करूँगा। यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेसिकली आपका सपना था? यस सर। जब आपका मुझे पता है कि आपका AMU निकला और जामिया के लगभग 5 कोर्सेज में आपका निकला, फिर आप एडमिशन जो है अभी किस कोर्स में लिए हैं? जी सर, मुझे मेरा जो इंटरेस्ट था, आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन BA Honors पॉलिटिकल साइंस, दैट्स वाई आई एनरोल्ड इन BA Honors पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस जो होता है हलवा नहीं होता है, सभी लोगों को पता है, और इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फॉर्म्स की बात करें तो उसमें काफ़ी अच्छा खासा फॉर्म भी आता है और उसमें काफ़ी कंपटीशन है। ये सारी चीज़ें जो थी, मतलब इतना ईजी कैसे हो गया कि आप जामिया के लगभग जितने कोर्सेज में डाले सब आपका क्रैक हो गया? सर बस कह सकते हैं कि बस बहुत सारा हेल्प मिला, बहुत जगह से गाइडेंस मिला, और स्पेशली आई वॉज वेरी थैंकफुल टू स्टूडेंट इन्फो, स्पेशली यू एंड जुनैद सर हु गाइडेड मी अलॉट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ माई एंट्रेंस, और उसके बाद भी मैंने सेल्फ स्टडी की, बस हो गया। मैं सभी चीज़ों को समझ सकता हूँ, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हिंदी में या मतलब उर्दू में बोलने की कोशिश करें, क्योंकि जो ऑडियंस है अपनी वो ऐसे एरिया से आते हैं जिनके लिए इंग्लिश जो है ना कहीं ना कहीं एक बैरियर के रूप में होता है। इसी के कारण जो है ऑलमोस्ट बच्चों का जो एंट्रेंस क्रैक नहीं हो पाता है। खैर जो भी हो, आप पॉलिटिकल साइंस को चूज़ किए, उसके लिए आपने तैयारी जो किया था उस पर मेन फोकस आपका कहाँ था, किस पोर्शन पर ज़्यादा था? सर मैं सबसे ज़्यादा फोकस जो था GK और GS पर, क्योंकि वो मींस मेरा जो बैकग्राउंड था वो कॉमर्स था, तो जो भी जो चीज़ें होती हैं GK GS या सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड, तो मैं कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत सारी गैप हो गई थी, क्योंकि 10th के बाद कॉमर्स में आ गए थे, तो उसके बाद फिर मैंने वही GK GS पे ज़्यादा फोकस किया, और रीजनिंग भी रहता है 20 मार्क्स का, और करंट अफेयर्स भी रहते हैं कुछ, और GK GS रहता है, और 20 मार्क्स के इंग्लिश रहते हैं। तो मेनली फोकस मेरा ये था कि जो 60 मार्क्स का जो GK GS एंड करंट अफेयर्स होता है उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँ। जब आप AMU भी गए हैं, जामिया भी गए हैं, जामिया जब आपका सिलेक्शन हुआ, एडमिशन लिए, तब उसके बाद कैंपस को लगभग 1 हफ्ते 10 दिन से आप रेगुलर आ रहे हैं, तब उसके बाद जो है कैंपस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है? कैंपस बहुत खूबसूरत है यहाँ का, और मतलब एक ऐसा है कि हाँ, मेरा एक सपना था कि मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पढ़ाई करूँ, और मेरे से बहुत सारे रिलेटेड जो लोग थे उनका भी ऐसा कुछ सपना था, और बस ये है कि बहुत खुश हूँ। और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मतलब सबसे अलग हटके दिखा जामिया में? जामिया का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, और यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ हैं, लाइब्रेरी है या जो भी है, सब बहुत एक्सेप्शनल है, बहुत ज़्यादा अच्छे मीन्स अच्छी हैं। तो आप अभी पॉलिटिकल साइंस में हैं, BA Honors पॉलिटिकल साइंस में हैं, लेकिन आप बता रहे थे कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स रहा है, आपका BBA BCOM एंट्रेंस भी क्रैक हुआ था, आप उसको क्यों नहीं चूज़ किए? सर BBA BCOM एंट्रेंस मेरा मींस वो मैं चूज़ इसलिए नहीं किया कि BBA BCOM में मेरे को इंटरेस्ट नहीं था उतना, मैं सच बता रहा हूँ, तो मेरे को पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ने का ऐसा मेरा मन था, बहुत पहले से ये डिसाइडेड था कि मैं पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ूंगा। फिर आप ये लेते, सॉरी 11th आर्ट्स करते, फिर उसके बाद वहाँ आपके पास ऑप्शन होता है, लेकिन आप 11th कॉमर्स से कर रहे हैं, 12th मतलब अपना कॉमर्स से कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये सब कब झुका हुआ कि आपको पॉलिटिकल पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, जो भी पढ़ना है? सर ये बहुत पहले से झुकाव था मेरा, जब मैं स्कूल टाइम में था, 9th और 10th या 8th बोल सकते हैं आप, तभी से मैं चाहता था कि मेरे को जो आगे की पढ़ाई करनी है वो, मैं 11th 12th भी ह्यूमैनिटीज़ से पढ़ना चाहता था, आर्ट्स से, बट किसी रीज़न से नहीं पढ़ पाया, लेकिन यह है कि आगे मैं वही पढ़ रहा हूँ। मेरा जो आप क्लास भी किए हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, आपकी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है? जी सर जी। कैसा रहा मतलब क्लास जब किए तो स्कूल से मतलब क्या अलग था? आप इससे पहले भी आपका स्कूलिंग हुआ पड़ा होगा, जी सर, उससे पहले कोचिंग बहुत सारे गए होंगे, उससे क्या अलग आपको दिखा उस क्लास हॉल में? सर यही था कि बस अब यह कि अच्छा लग रहा था, बहुत कुछ नए प्रोफेसर्स मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, इन्वायरमेंट ज़्यादा ओपन है, और ज़्यादा वाइड वैरायटीज़ में पढ़ने को मिलेगा। मैं एक अगर कम शब्दों में बोलना चाहूँ कि क्लासरूम में फर्स्ट टाइम आप जब गए तो
तो वहाँ पे आपके लिए क्या कुछ ऐसा था जो आपके ऊपर इफेक्ट डाला बहुत ज़्यादा? टीचर्स थे या स्टूडेंट्स आ रहे थे, उनकी जो कम्युनिकेशन थी या जो वहाँ पे माहौल था वो क्या था उसमें से? टीचर्स भी अच्छे थे और स्टूडेंट्स जो थे ज़्यादातर, वो मीन्स सारे स्टूडेंट्स जो आते हैं यहाँ पे वो एंट्रेंस क्रैक करके आते हैं, क्रैक करते हैं उसके बाद यहाँ पे उनका एडमिशन होता है। तो ये रहता है कि इन्वायरमेंट जो यहाँ पे मिल रहा है वो ये है कि हाँ एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, सारे बच्चे जो हैं वो इंटेलेक्चुअली अच्छे हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं वो एंट्रेंस क्रैक करके आए हैं, तो ये इस वजह से इन्वायरमेंट अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। ये तो आपके अपने डिपार्टमेंट्स की बात हुई, अदर डिपार्टमेंट्स के बच्चों से भी मिले आप? जी, मैं सोशियोलॉजी में भी क्लास किया तो उसमें भी बच्चे जितने थे अच्छे थे, वहाँ पे जो हमारे टीचर थे प्रोफेसर वो बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत हेल्पफुल थे, बहुत सपोर्टिव थे, तो बहुत अच्छा लगा। जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं, अब हम लोग काम की बात पे आते हैं। ये था इनका अपना अपना अगर कह सकते हैं कि अपना इनका पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन अब हम आते हैं मुद्दे पे डायरेक्ट। अब अगर जो लोग नेक्स्ट ईयर बी ए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हो, बीबीओ बीबीए बीकॉम हो या बीए प्रोग्राम हो या मतलब ज्योग्राफी वाला जो भी एंट्रेंस होता है, 4-5 जो होता है उसके लिए, अगर जो लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, उनकी तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए उनको? सर पहले तो ये है कि पहले उनको बेसिक्स पे जाना चाहिए, पहले बेसिक्स को क्लियर करें ईजिली, और उसके बाद अगर बेसिक्स अच्छे से उनका अगर क्लियर हो जा रहा है तो उसके बाद वो मूव करें कि हम थोड़े वाइड जाकर पढ़ें, क्योंकि एंट्रेंस जब होता है जैसे इस बार का बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस था तो वो प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले काफ़ी टफ था उसका पेपर। तो इस वजह से मैं ये बोलूँगा कि उनको ये नहीं है कि पहले बहुत ज़्यादा एक ही बार पूरा पढ़ लेना है, पहले बेसिक्स पर जाएं, उसके बाद जब अगर क्वेश्चन पेपर टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, लेकिन ये है कि जो क्वेश्चन मेरा यही फोकस रहता था कि जो मेरी पहुँच तक है, मेरी रीच में है, वो क्वेश्चन ना छूटे। अगर टफ आ रहा है, टफ अगर हम एक दो उसमें अटेम्प्ट कर लेते हैं मेरा सही हो जाता है तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, बट ये है कि पहले क्लियर जो बेसिक चीज़ें हैं उनको क्लियर करें हैं, वो ना हमसे छूटे, यही मेरा मेन। आपने टोटल पॉलिटिकल साइंस का जब एंट्रेंस हुआ था उसमें कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? सर मैंने क्वेश्चन तो लगभग 75-80 मैंने अटेम्प्ट किए थे। उसमें कितना कट ऑफ गया है? सर कट ऑफ तो जनरल का 55 के आसपास गया है। 55 के आसपास गया है आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हुआ है या किसी कोटा से? सर मुस्लिम में या जनरल? सर पॉलिटिकल साइंस में तो मेरा मुस्लिम कैटेगरी से है, क्योंकि वो मेरा पहला एंट्रेंस था तो थोड़े उसमें मैंने ओएमआर फिल करने में गलती कर दी थी, बाकी सारे जितने कोर्सेज थे उसमें मेरा जनरल कैटेगरी। वो जो 100 क्वेश्चन आए थे इस बार पॉलिटिकल साइंस का जो लेवल था वो अब था कहीं ना कहीं हाई था, इस तरीके से आप मान सकते? यस सर। तो उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन जो था जिसको लग रहा था ना इस पर अगर हम फोकस किए होते तो शायद से हमारा एंट्रेंस कटअप के हिसाब से क्रैक हो जाता इजीली, करंट अफेयर हो या पॉलिटिकल साइंस हो, जीके जीएस वाला, ये रीजनिंग एप्टीट्यूड लैंग्वेज एप्टीट्यूड, उसमें से कोई ऐसा जिसको कवर करके ना एंट्रेंस क्रैक हो सकता था आपके हिसाब से? क्योंकि कटअप आपको पता है, पेपर आप दे के आ चुके हैं, सिलेक्शन पा चुके हैं। सर यही रहता है कि मेन जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस करें, और रीजनिंग और इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे इस बार का करंट अफेयर्स जो था, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा मींस ये था कि निर्णायक बोल सकते हैं जिसको, वो था क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और वो काफ़ी टफ थे। तो करंट अफेयर के लिए आप क्या करते थे? करंट अफेयर्स के लिए सर मैं कुछ नहीं, कुछ वेबसाइट देखता था या यूट्यूब पे कुछ चैनल्स थे जिनका मैं वो समरी देख लेता था करंट अफेयर्स का, कि जैसे डेली अगर वो रहे तो सही है, नहीं तो अगर आपके पास उतना वक्त नहीं है तो आप वीकली एक बार देख लें या एक ही बार कुछ कुछ पॉइंट ऐसे देखते चले, एक मींस कि आज एक एक सेगमेंट देखते चलें कि हाँ इस बार नए सिलेक्शन नए मींस जो नए अपॉइंटमेंट क्या क्या हैं, और मेन मेन जो पॉइंट्स होते थे यानी जो भी करंट में हो रहे मेन चीज़ें उस पर फोकस होता था। यस सर। अच्छा लैंग्वेज की बात की जाए इंग्लिश के लिए, वो क्या था, सब टफ थे इजी थे आपके हिसाब? सर लैंग्वेज मॉडरेट था इस बार, ये है कि जो भी जिसकी ग्रामर जिसका सही होगा वो मींस ये है कि हाँ सही करेगा वो, लेकिन वो है कि वो भी बहुत ज़रूरी है। आप वो 75 से 80 क्वेश्चन सोल्व करके आए तो उसमें से आपका अपने हिसाब से कटअप कितना जा रहा था, आपके हिसाब से आपके कितने सही हो रहे थे, मतलब सब काट वाट के कितने बन रहे थे? सर मेरे 53-54 क्वेश्चन मींस माइनस मार्किंग करके मेरे 53-54 आ रहे थे। तो आपको उस समय कैसा लग रहा था कि हो जाएगा नहीं होगा? मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं बच्चों को बोल दिया था कि 55 से 60 के बीच में आ रहा है तो सिलेक्शन हो जाएगा। यस सर। तब आपको उस समय क्या था, भले सब कुछ बता देते लेकिन डर होता है अंदर कि होगा नहीं होगा, उस समय क्या आपको कॉन्फिडेंस था कि होगा? सर मेरा किसी भी पेपर में मैं पूरा कॉन्फिडेंस लेकर नहीं चल रहा था, क्योंकि हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं अगर कि मतलब इस बार क्या होगा,
कि इस बार कट ऑफ अप जाएगा कि लो जाएगा, बच्चे कैसे आ रहे हैं, कितने फॉर्म्स अप्लाइड हुए हैं, तो इसलिए हम उस पर श्योर नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, ये मेरा मतलब ये कॉन्फिडेंस था थोड़ा कि हाँ कि अगर क्वेश्चन टफ आया है तो सबके लिए टफ आया, अगर मेरे लिए आया तो ये था कि शायद बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट लिस्ट में आ जाए या सेकंड लिस्ट में आ जाए या बीए प्रोग्राम तो मिल ही जाएगा, ऐसा था मेरे को उम्मीद कि 55-60 कट ऑफ जाएगा। आप एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं, सिलेक्शन भी पा चुके हैं, अब आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम हॉल में कितने क्वेश्चन करके आने चाहिए, तुक्का नहीं खेलना चाहिए, कितने तक पे? ये है कि तुक्का ज़्यादा ना लगाएं, जैसे थोड़े कुछ क्वेश्चन जहाँ पे आपको लग रहे हैं तो थोड़ा वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, मींस रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर जैसे कुछ क्वेश्चंस में अगर आप रिस्क लेंगे, अगर दो क्वेश्चन गलत होगा और एक क्वेश्चन भी सही हो गया तो आप 0.5 प्लस ही चलेंगे। तो जैसे एग्ज़ाम में होता क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो आप पढ़े भी होंगे तो उसमें वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, तो आप वहाँ पे क्या कि अगर जो आपको मींस एलिमिनेट कीजिए कुछ क्वेश्चंस को, ये नहीं कि सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, बट ये है कि कुछ क्वेश्चन अगर लग रहा है आपको कि हमको थोड़े और अटेम्प्ट करने चाहिए तो उसको अटेम्प्ट कीजिए, थोड़ा चांस लेना पड़ेगा। चलिए, मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप जो सपना लेके जामिया को चूज़ किया और ख़ास तौर से 5-6 कोर्सेज में सिलेक्शन पाने के बाद आपने जिस कोर्स को सिलेक्ट किया है, जो सपना है, जो ख्वाहिश है आपकी, वो पूरी है। आपकी जो 3 सालों की भविष्य है आगे की, उसकी हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जी सर, सर आपका और जुनेश सर का बहुत बड़ा इसमें हाथ रहा, आपका बहुत धन्यवाद। चलिए सर, थैंक यू।